हाउ टू ग्रो बियर्ड फास्टर एंड थिक्कर एट होम। ग्रो बियर्ड फास्टर 100% नेचुरल बियर्ड ऑयल फॉर 7 डेज। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बियर्ड को जल्दी से उगाना चाहते हो तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। दोस्तों आज मैं रिव्यू देने वाला हूँ हजामत बियर्ड ग्रोथ ऑयल के ऊपर। दोस्तों वीडियो के पहले मैं आपको बता दूँ, ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, सिर्फ आपको जानकारी देने के लिए इस प्रोडक्ट का, इस ऑयल का रिव्यू दिया जा रहा है। अगर आप इसको खरीदना चाहते हो तो एक बार इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, तभी आप कोई भी बियर्ड ऑयल को परचेस कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बियर्ड ग्रोथ ना होने की वजह काफ़ी सारी होती है, जैसे कि पोअर डाइट है, न्यूट्रिशन की कमी है और जेनेटिक है। ये सभी प्रॉब्लम की वजह से हमारी बियर्ड ग्रोथ नहीं होती है। तो दोस्तों क्या ऑयल सही में वर्क करता है उसके बारे में हम बात करेंगे। जिससे आप देख सकते स्क्रीन पर, ये है हजामत बियर्ड ग्रोथ ऑयल जो मेन के लिए डिज़ाइन किया गया है। दोस्तों ये नॉन स्टिक की है, लाइट वेट है और आपकी बियर्ड को पेचनेस से दूर करता है, आपकी बियर्ड को फुलर बनाता है और स्ट्रोंगर बनाता है और बियर्ड की लंबाई को जल्दी जल्दी बढ़ाता है, ऐसा कंपनी दावा करती है। दोस्तों सबसे पहले हम इस हजामत बियर्ड ग्रोथ ऑयल के इंग्रेडिएंट्स पर नज़र डालेंगे। तो दोस्तों इसके अंदर कोकोनट ऑयल, स्वीट आलमंड ऑयल, ओलिव ऑयल, बहुत ही अच्छे अच्छे ऑयल मिलाए गए, जैसे कि एवोकाडो ऑयल है, ऑर्गेनिक पील ऑयल है। दोस्तों सभी ऑयल हमारी बियर्ड को बहुत ही जल्दी से ग्रो करने में, ग्रूमिंग करने में बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। अगर आप बियर्ड को बहुत ही जल्दी से ग्रो करना चाहते हो तो इस बियर्ड ग्रोथ ऑयल का यूज़ कर सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर आपकी बियर्ड बिल्कुल पेची है और सोचते हो कि आप इस ऑयल को यूज़ करके बियर्ड ग्रो हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर आपकी बियर्ड बिल्कुल पेची है, वहाँ पर बिल्कुल भी बाल नहीं आते, बिल्कुल चिकनापन है, तो वहाँ पर आपको एक बार मिनोक्सिडिल का इस्तेमाल करना चाहिए 5% का। लेकिन डायरेक्टली अगर आप इस ऑयल का यूज़ करते हो तो आपकी बियर्ड ग्रो नहीं होगी। अगर आपके बियर्ड के हेयर के फॉलिकल्स हैं वहीं पर ये काम करेगा, यानी कि बियर्ड को बहुत ही जल्दी जल्दी बढ़ाएगा और बियर्ड को स्ट्रॉन्ग करता है और फुलर बनाता है, जिससे हल्की फुल्की जो पेचनेस होती है वो रिकवर हो जाती है। दोस्तों अगर आप बियर्ड को लंबा करना चाहते हो और हल्की फुल्की पेचनेस को दूर करना चाहते हो तो आप इस ऑयल को यूज़ कर सकते हो। दोस्तों बात करेंगे इस ऑयल की प्राइस की, तो 30 ml की छोटी सी बोतल आती है जो लगभग आपको 130 या 135 रुपये के आसपास मिल जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ पर जाकर चेक कर लेना है। अब दोस्तों बात करेंगे इसको किस तरीके से यूज़ करना है। आपको 2 टाइम यूज़ करना है, डे और नाइट, दोनों टाइम आपको यूज़ करना है। हल्के से इसके ड्रॉप स्केल्प पर लगाना है बियर्ड की और अच्छे से मसाज करना है, 1 से 2 मिनट तक बियर्ड पर मसाज करना है और इसे लगाए रखना है पूरा दिन और पूरे नाइट। तो इस तरीके से यूज़ करना है, बिल्कुल सिंपल है। लेकिन अगर आप बियर्ड को बहुत ही जल्दी से ग्रो करवा कर लंबाई बढ़ाना चाहते हो तो ये ऑयल वहाँ पर काम नहीं करेगा, थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसको ग्रो कराने में बियर्ड को। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।